खबर हनुमानगढ़ के गोगा मेढ़ी से है, जहां एक माह तक चलने वाला गोगा जी का मेला सांप्रदायिक सौंदर्य व आपसी भाईचारे का प्रतीक है। आपको बता दें कि भाद्रपद माह में एक माह की लंबी अवधि तक चलने वाला यह मेला राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है, जिसमें मेले की संपूर्ण व्यवस्था देवस्थान विभाग देखता है। अब की बार मेले की कमान देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सैनी के हाथों में है, जो दिन रात एकजुट होकर मेले की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, ताकि लाखों की संख्या में मेले में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। सर, मेले में देवस्थान विभाग द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं जी? जो गोगा मेढ़ी का मेला है, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला है, एक माह से भी अधिक समय तक की इसकी चलने की जो है अवधि है, और इसमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं विभिन्न विभागों के समन्वय और सहयोग से की जाती है। इनमें सर्व प्रमुख जो है देवस्थान विभाग का इसमें यहाँ रोल रहता है। इसमें निज मंदिर में जो है चढ़ावा जो मंदिर में आता है श्रद्धालु भेंट करते हैं, उसमें छिजक रोकने की समस्त प्रयास हैं। उसके लिए अतिरिक्त कार्मिक लगाना, सीसीटीवी कैमरों के द्वारा उसका लगातार पर्यवेक्षण करना, ये किया जाता है। इसमें पुलिस प्रशासन के भी कार्मिक लगते हैं, और जो वैक्सपो के जो एक्स सर्विसमैन ग्रहण होते हैं उनकी भी सेवाएँ ली जाती हैं। इसके अलावा देवस्थान विभाग के जो मुख्यालय से विभिन्न कर्मचारियों की पूरे राजस्थान भर से कर्मचारी यहाँ ड्यूटी पर आते हैं इस मेले में, और इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। अब जो मेला क्षेत्र है उसमें आम श्रद्धालुओं के लिए जो है छाया, पेयजल, बिजली की व्यवस्था, बैरिकेडिंग और भीड़ का जो नियंत्रण है, इन सब के लिए प्रबंधन किया गया है। लगभग काफ़ी संख्या में कूलर, पंखे इत्यादि भी श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए हैं। टेंट डेक और जो है छाया का प्रबंध किया गया, जगह जगह पेयजल के जो है कैंपर और इत्यादि से स्वयंसेवकों के माध्यम से उनकी पेयजल की व्यवस्था की गई है, और टैंकर की व्यवस्था की गई है पानी की सप्लाई के लिए। विभिन्न टोंटियाँ जो है वो पीएचईडी के माध्यम से जगह जगह लगाई गई है। इसके अलावा हम बात करें बिजली की व्यवस्था, तो पूरी जो मेला क्षेत्र में है विभिन्न बिजली के पोल इत्यादि लगा के अस्थायी तौर पर पूरी लाइनें खींच के और सारी व्यवस्थाएं की गई है। साफ सफाई के लिए बहुत पुख्ता प्रबंध देवस्थान विभाग द्वारा किए गए हैं। इस बार 40 लाख रुपए का जो है ठेका ग्राम पंचायत के माध्यम से देवस्थान विभाग ने ये राशि जारी की है, पूरे क्षेत्र को 6 जोन में बांट कर, और इसमें जो विभिन्न विभागों की ग्राम पंचायत के माध्यम से तहसीलदार इत्यादि के पर्यवेक्षण में ये सफाई का कार्य निरंतर जारी है। और अभी हाल ही में जो बारिश हुई है 2-3 दिनों से लगातार, तो मिट्टी का कटाव भी हो गया था, कई जगह पानी भरने की समस्याएं भी जहाँ रहती है, जैसे अंडर ब्रिज वगैरह, उसके लिए अलग से जो टेंडर जेसीबी और ट्रैक्टर के माध्यम से वो मिट्टी का पार्ट के भी उस कटाव को रोका जा रहा है। और सुरक्षा की यदि बात करें तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। इसके अलावा देवस्थान विभाग में लगभग 200 सीसीटीवी कैमरों के द्वारा पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है, और मोबाइल टावर हमने जियो कंपनी से बात करके एक्स्ट्रा लगाया, अन्य कंपनियों को भी लिखा है, और इस प्रकार से विभिन्न व्यवस्थाएं जो है देवस्थान विभाग के माध्यम से, जिसमें अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए उनके रुकने में जो है सहयोग के लिए जो टेंट की व्यवस्था है, रुकने की फर्नीचर, चारपाई, टेबल, कुर्सी, स्टेशनरी, पुलिस प्रशासन को हमने वाहन भी उपलब्ध कराए हैं देवस्थान विभाग के माध्यम से। इस प्रकार विभिन्न जिम्मेदारियाँ देवस्थान विभाग निभा रहा है।